हैं तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो जिस तरह हमने रेसेंट में भी सारी कंडीशंस भी चेक की थी, फॉर्मूलाज भी चेक किए थे इन तीनों के, तो इसी तरह आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के कंडीशंस और उनके फार्मूला, उसका फार्मूला भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बाकी जो तीनों पिछली वीडियोस में हो चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि आज हम पास्ट का लास्ट वाली काइंड डिस्कस करेंगे। तो इसकी कंडीशंस अगर आप देखें तो उसमें रहा था, रही थी और रहे थे। तो ये तीनों हो गए, रहा था, रही थी और रहे थे। तो जिनके एंड पे ये आ जाए, था आ जाए, थी, थे और वो काम होता रहा होगा, होता रहा हो, तो उसमें हम समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो यहाँ जो फार्मूला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी का फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हम जो 12 करने के बाद जो एक टेबल देंगे उसमें इंशाल्लाह हम सारे फार्मूलाज एक ही जगह पे लिखेंगे, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो अभी हम इसे डिस्कस करें। तो इसका फार्मूले में पहले सब्जेक्ट, जिस तरह हर किसी में आता है, साथ में हम हैड बीन यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के शुरू में लगाते हैं। तो बाद में हम कोई वर्ब इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम ING लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ एग्जांपल्स हैं कि वो स्कूल जाता रहा था। अब वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट है तो जाता रहा था ये वर्ब होगा, जिस तरह मैं आपको इधर समझा दूँगा। ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। अब ये बीन शो करता है कि कोई काम होता रहा है मसलसल, कंटिन्यूस था रेसेंट ईयर्स में, या कोई आप कह सकते हैं। तो हैड बीन यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक हो गया। गो वर्ब था, साथ में हमने ING लगा दिया, जैसे कि यहाँ डिस्कस हो गया है तो ये हमने लगा दिया। ये फर्स्ट फॉर्म गो थी तो साथ में हमने ING लगा दिया, जिस तरह ये था। और ये स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी नीचे आप देखें, वो सब्जेक्ट हो गया, दूध ऑब्जेक्ट हो गया, पीना वर्ब है और रहा था यानी काम होता रहा है हेल्पिंग वर्ब, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को जाहिर करता है कि कोई काम होता रहा है, रहा था। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे, शी सब्जेक्ट हो गया और हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे देखें ये वाला, तो साथ में ये ड्रिंक था, ये वर्ब है, ड्रिंक वर्ब है और ये वर्ब है, साथ में ये ING जो है साथ में हमने लगा दिया क्योंकि हम इधर मेंशन कर चुके हैं। तो यहाँ ये मिल्क जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो शी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। अगर हम पीछे जाएं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट थी, वो ये थी, हैड की जगह हमने हैज़ या हैव लगाया था, ठीक हो गया। तो हम फ़िलहाल इसकी बात नहीं कर रहे, हम अभी इधर ही बात कर रहे हैं। वैसे आपको बताया कि बिल्कुल इजी है, उसी के रिलेटेड है। तो वो इंग्लिश सीखते रहे थे, वो सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, सीखना वर्ब, साथ में ING लगाएंगे, काम होता रहा था तो ये हैड बीन हो गया। तो यहाँ दे सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये लर्निंग जो है
ये लर्न वर्ब था, साथ में हमने आईएनजी लगा दिया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच। आपको फार्मूला दिखा दें एक बार।